Mirchi Bollywood. टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की फिल्म बागी 2 में हमें एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब देखने को मिलने वाला है। इस फिल्म में इन दो स्टार्स के अलावा मनोज बाजपेयी, प्रतीक बब्बर, रणदीप हुड्डा जैसे बेहतरीन कलाकार भी दिखाई देंगे। इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद तो हर कोई बस इस इंतजार में है कि ये फिल्म रिलीज कब होगी। वहीं आज हम इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने लाए हैं जिससे शायद ही आप वाकिफ हो। दरअसल असल में फिल्म बागी 2 में जो किरदार प्रतीक बब्बर निभाते दिखेंगे उसके लिए पहली पसंद कोई दूसरा कलाकार था। जी हाँ, अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर किसे मिला था ये मौका। तो आपको बता दें, ये ऑफर एक्टर उपेन पटेल को मिला था। एक वेबसाइट की खबर के अनुसार फिल्म बागी 2 के निर्देशक अहमद खान ने प्रतीक वाले किरदार के लिए सबसे पहले उपेन पटेल के लिए नरेशन दी थी। उपेन को फिल्म अच्छी लगी थी लेकिन वो एक खलनायक का किरदार नहीं करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अहमद खान को मना कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले भी उपेन सोहिल की फिल्म फिक्की अली को रिजेक्ट कर चुके हैं, उस फिल्म में भी उनको खलनायक नहीं बनना था। वेल, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।